पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक सभा का आयोजन कटरनाज कार्यालय पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने की और मुख्य अतिथि चेयरमैन नरेश अग्रवाल रहे। सभा में बोलते हुए दीपक अग्रवाल ने कहा कि अतिक्रमण और बेहाल सड़कों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है, समय रहते प्रशासन को जागना होगा। महामंत्री देव सिन्हा ने बैटरी रिक्शा के संचालन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया। चेयरमैन नरेश अग्रवाल ने जीएसटी के बदलाव पर चर्चा की। सचिन वर्मा ने सोनकपुर ओवरब्रिज को लेकर तैयारी में अभी और बाकी कितना समय लगेगा इस पर भी विचार करने की बात कही। सभा में शहर में जाम की समस्याओं से छुटकारा न मिलने पर प्रशासन की निंदा भी की गई। सभा में कहा गया कि अतिक्रमण के नाम पर छोटे बड़ों के साथ एक नीति का पालन किए जाने की बात कही गई, तो वहीं उन्होंने कहा कि बिजली के तारों की समस्या लोगों के सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई भी नजर नहीं बना रहा। स्मार्ट साउंड जो है आज मवाद में अव्यवस्था हो रही है उसे लेकर हो रही है, जैसे कि लगातार देखा जा रहा है कि सड़क पर हम जा रहे हैं और बिजली के तार लटके पड़े हैं और बंदर उस पर जा रहे हैं, और ऐसे में खतरा बढ़ जाता है कि कहीं बंदर की वजह से तार ना गिर जाए या तारों की वजह से बंदर ना गिर जाए और मृत ना हो जाए। दूसरा, जो बरसात सिर पर है, जून आ गया है, आज 19 जून हो गया और अभी तक नालों की सफाई पूर्ण रूप से पूरे शहर में नहीं हो पाई है। जहाँ नालों की सफाई हुई है वहाँ कूड़ा उगाड़ गिराई गई है, निकाली गई है, वो उन दुकानदारों का नुकसान करके निकाली गई है, जाल तोड़ कर निकाली गई है, और वो गाड़ दो दिन तीन दिन नहीं उठने के बाद वापस नाले में आधी चली जाती है और आधी उठ जाती है। इसके अलावा जगह जगह MDA में मैनहोल खुले हुए हैं, आप कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, मैंने आपको फोटो भी खिंचवाए थे कि मैनहोलों की क्या दशा है। ज़्यादा पानी अगर सड़क पर 1 या 2 फीट बढ़ जाता है तो मैनहोल में अगर बच्चा गिर जाए या कोई भी गिर जाए पता नहीं लगेगा उसका। और रही बात वही रामगंगा नदी की, जो रामगंगा नदी में सारे सीवर लाइन आज भी खुले हुए हैं 21 के 21, जिसकी वजह से पानी हमारा दूषित हो रहा है। और जो अभी हमारा गंगा दशहरा था जिसमें अखबारों में फोटो छपे थे, बच्चे नालों में नहा रहे थे और देखा होगा आपने कि कितनी गंदगी में वो लोग नहा रहे हैं, तो आपने त्वार बना रहे हैं। क्या होना चाहिए इसके लिए? महानगर में जो पैसा आया है लगातार और इतना पैसा लगने के बाद भी उसमें चमक नहीं आ रही और जो है उसका नुकसान हो रहा है, उसे पूरा करने के लिए आगे शहर में बदलाव की बहुत जरूरत है। और बदलाव के लिए एक अच्छे व्यक्ति को यहाँ लाना चाहिए जिससे कि शहर का विकास हो, और जो पैसा अनाधिकृत रूप से खाया जा रहा है वो पैसा शहर के विकास पर लगना चाहिए ताकि शहर चमके हमारा। और अतिक्रमण के नाम पर जो काम किया गया वो पूरा नहीं किया गया, किसी एक मोहल्ले में जाके अतिक्रमण हटा दिया गया और दूसरे मोहल्ले में जाके नहीं हटाया गया, न तीसरे में हटाया गया। मंगल का बाजार कहा था नहीं लगेगा, फिर भी मंगल का बाजार जबरदस्ती प्रधान नाक के नीचे लगा और वो कुटकुट शाला में जाना था वो नहीं जा पाया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।